अंबेडकर नगर जिले में सूफी संत हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक व दोनों संप्रदायों के आस्था का केंद्र है। साल के 12 महीने दरगाह पर जायरीनों की भीड़ रहती है। लोग अपनी हर तरह की परेशानियों के लिए दरगाह पर आकर मन्नत मांगते हैं। इस समय दरगाह के 636वें उर्स की धूम मची है। उर्स के मौके पर हर धर्म व दुनिया भर के लोग कोने कोने से लाखों की तादाद में यहां आते हैं और दुआ मांगते हैं। वहीं उर्स मखदूम अशरफ के मौके पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने मोइनुद्दीन अशरफ को बधाई पत्र व चादर भेजकर देश में आपसी भाईचारा कायम रहे इसकी दुआ की। व सज्जादा नशीन मोइनुद्दीन अशरफ ने बताया कि इस दरगाह पर आस्था रखने वाले सभी समुदायों के लोग बिना किसी भेदभाव के आस्थाने पर आकर अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए दुआ मांगते हैं। ये उर्स मखदूमी चल रहा है, 636वां उर्स है, जिसके मौके पर माननीय प्रियंका गांधी जी ने शहनवाज हुसैन के उसमें सदारत में हम लोगों को एक डेडिकेशन भेजा, जिसके लिए हम लोग यहाँ आए और सज्जादा नसीन को चादर पेश किया गया और जो उन्होंने बधाई संदेश दिया था उसको हम लोगों ने साहिब सज्जादा नसीन को दिया और अभी आपने देखा हम लोग चादर पोशी करके आ रहे हैं। लोगों का अटूट यकीन है कि मखदूम साहब की दरगाह पर मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है। वैसे तो यहां आने वाले जायरीनों की भीड़ साल भर लगी रहती है, लेकिन इस्लामिक मुहर्रम महीने की 25वीं से 28वीं तारीख को मखदूम साहब के उर्स पर देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग आकर जियारत करते हैं। इस मौके की सबसे खास बात यह है कि खिरका मुबारक पहनकर मुल्क में अमन चैन भाईचारे और दुनिया भर से आए लोगों के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। 636 साल सरकार मखदूम पाक का उर्स मुबारक हो गया है और सुल्तान के आका से जायरीन आए हैं। आप सबके लिए दुआ की गई है कि मुल्क में अमन रहे, मोहब्बत रहे। इंशाल्लाह जो लोग आए हैं इंशाल्लाह कल भी उर्स मुबारक 28 मुहर्रम उल हराम है। ये सिलसिला 30 मुहर्रम तक चलेगा। 30 मुहर्रम उल हराम को दखूल फकरा एक होता है, उसमें फकराओं की अदालत लगती है, उसी दिन लंगर हमारा बंद हो जाता है दरगाह में। अब तकरीबन जैसे लोग बता रहे हैं 3 लाख हैं, कोई कह रहा 4 लाख हैं, मुझे ये तो मालूम नहीं, मगर भीड़ काफ़ी है। इसलिए बात इसका है कि ये मखदूम पाक का खुद आपने जेबतन किया है, ये उसमें उस लिबास का टुकड़ा लगा हुआ है जो हजरत उमैस करनी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भिजवाया था। अवधनामा में शायद मजामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।